तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं गौरव भैया की दुकान में, जहाँ पे मेरी ननद ने डिमांड दे रखी थी। तो देखते हैं वो चीज़ बना है नहीं बना है करके। ये तो एक बार भैया से पूछ लेते हैं कि बना है नहीं बना है करके। ये देखो बहुत बड़ी दुकान है इनकी, वड्डा में ये बन चुका है। यही है वो लॉकेट जो बनाने के लिए दिया है। ये देखो एक से एक लॉकेट पड़े हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर हैं। और एक बार मैं इनको ट्राई कर लेती हूँ, देखो धागे में डाल के कि कौन सा सुंदर लगा है करके। ये देखो ये भी अच्छा लगा है। और ये भी अच्छा लगा है, इससे ज़्यादा सुंदर दूसरा वाला लगा है। देखो तो देखो दोस्तों गौरव भैया की दुकान में एक से एक कारीगर बैठे हैं भैया लोग यहाँ पे। एक से एक डिजाइन बनाते हैं वड्डा में। ये लोग ये हैं गौरव भैया, यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं देखो ये। और हम लोग सुनार की दुकान से यहाँ पे मनु की दुकान में आ गए हैं। ये दुकान है मेरी जमाई जी की, उसको पहनी है यहाँ पे चूड़ियाँ, लविसा बना रही है यहाँ पे वीडियो। और मेरे को पहननी है बिल्कुल हरी हरी चूड़ियाँ सावन के महीने के लिए। देखो सावन का महीना आ चुका है, तो सावन के महीने में मैं पहनूंगी बिल्कुल हरी हरी चूड़ियाँ। परसों से आ गया है सावन का महीना, शुरू होने वाला है परसों से, लेकिन हरियाली हमारे यहाँ बहुत पहले से छा गई है। तो देखो लेके जा रहे हैं, ये एकदम पहनाते हैं तुम्हें। घर तो ना था, इतनी जल्दी कहाँ जाओगे फिर घर? आओ भूख लग गई, बाहर भी तो खाना है, वड्डा में भी तो पका रखा है, खिलाओ फिर। तो चलो यहाँ बगल में पूरी पंचोला बनता है। और ये लड़ी पहनने लग गई है चूड़ी, देखो कैसे हरी 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 लाल दोनों मिक्स पहन रही है वो। देखो और मैंने पहनी है हरी हरी बिल्कुल। तो सखी की तो सर करना है ना, देखो। और बोल रही है क्रीम ज़्यादा ज़्यादा लगाओ मेरे हाथों में, बिल्कुल दर्द नहीं होनी चाहिए मेरे को, बिल्कुल नई क्रीम निकालो बोल रही है मेरे लिए। पहले लाल फिर हरी। देखो हम आ गए हैं चूड़ी पहन के, मैंने बिल्कुल हरी चूड़ी पहनी है और लविसा ने बिल्कुल रंग बिरंगी। और हम आ गए हैं यहाँ खाना खाने के लिए, 3 बज चुका है। और देखो यहाँ पे दाल चावल खा रहे हैं भैया लोग, और हमें सब्सक्राइब भी करने वाले हैं अभी। और तुम लोग क्या खा रहे हो? मोमोज खाएंगे। ठीक है चलो, तो अब थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं पहले, उसके बाद मिलते हैं। तो देखो प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखो मोमोज। और हिमांशी की प्लेट अभी आई नहीं है, अभी आनी बाकी है। तो देखो हम आ गए हैं यहाँ पे दुकान में सब्जी की, और आम ले रहे हैं यार। अभी और ये यहाँ पे देखो उमंग भी आया है दुकान में, दुकान में बैठा है ये। ये देखो क्या देख रहा है यहाँ पे, ये इसको शर्म लग गई है, मुँह छुपा रहा है। पप्पा से लगी शर्म या हम लोगों से लगी है? और ये देखो यहाँ पे दुकान पे, अब हम जाते हैं घर में। बाय बाय बाय। ये देखो हम आ गए हैं अब यहाँ पे कपड़ों की दुकान में, और चप्पल कपड़े लेने हैं हमने यहाँ पे से। ये यहाँ पे बैठे हैं, तो दिखा दो फिर हमको कुछ सामान। ये देखो चप्पल दिखा दो, और हवाई घर में घर के लिए। तो देखो और लवी ले रही है चप्पल अभी ये, और मैंने भी ले लिए हैं ये वाली चप्पल घर में पहनने के लिए। लगा तो सही है। ये देखो अब जाते हैं ऊपर वाली दुकान में, यहाँ नहीं है थोड़ी। तो देखो उड्डा से लाए ये
सोमू के लिए, ये माई के लिए, ये दीपू के लिए, ये मेरे लिए चप्पल। बज चुके हैं 3:30 शाम के और अभी आ रहे हैं हम घर को। बहुत धूप लग गई है, काम अभी ख़त्म हुआ हमारा, बैंक में भी हमको टाइम लगा था और उसके बाद पहनी थी हमने चूड़ियाँ पहनी थी, मैंने पहनी थी, लविशा ने पहनी थी और मैं गई थी दुकान में, मेरी ननद का काम था वो काम करने के लिए गई थी दुकान में, सुनार की दुकान में, वो लेके आई मैं। और उसके बाद चूड़ियाँ पहनी हमने, फिर सामान लिया, पन्नियाँ भर भर के सामान लाए हैं, एक हिमांशी ने पकड़ी है, एक मैंने पकड़ी है, एक बैग है मेरे पास। तो हमको घर जाते जाते 4 बज जाने वाला है। ये है मेरे आगे लविशा, उसके आगे है हिमांशी और सबसे लास्ट में लगी हूँ मैं। और देखो ये देखो, धूप इतनी ज़्यादा लगी है ये। तो दोस्तों अब मिलते हैं घर में, तब तक बने रहना मेरे साथ। घर पहुँचते पहुँचते 4 बज चुका है हम लोगों को। ये देखो शाम के लिए बकरियाँ भी खोल दी हैं ग्वाला के लिए इन लोगों ने, मम्मी बुआ लोगों ने बकरियाँ खोल दिया हैं और बुबू जा रहे हैं आगे आगे। ये पम्मी भगा रही हैं बकरियाँ पीछे से, ये देखो। मोटर से आने के बाद मैं आ चुकी हूँ खेत में और मैंने यहाँ धान गोड़ने हैं और मेरे को खेत में आते आते 6:45 हो चुका है। तो अब कितना गोड़ूंगी और कितना घास काटूंगी, ये थोड़ा गोड़ती हूँ और थोड़ा घास काटती हूँ और दिखाती हूँ धान कैसे हो रहे हैं मेरे जो मैंने सराए थे। तो पूरा खेत पूरा बंजर था, एक बोट में जो एक पौधा था उसमें से दूसरा पौधा आधा आधा पौधा करके मैंने निकाल के ऐसा बना रखा है। अब ये पीले हो रहे हैं, इसको गोड़ना है मैंने। यहाँ पंसीमार वाला खेत है ये वाला भी हमारा, और वो नीचे वाला, नीचे खेत जो है उसके उस वाले कोने में रोपाई भी लगी थी। तो आज तो बहुत धूप है, सुबह से धूप ही है। ये देखो अब करती हूँ मैं अपनी गुड़ाई, ये फिर मिलते हैं आपको। और देखो दोस्तों ये है हमारा धान, इसका नाम है 555 धान है ये हमारा। और ये देखो उसके बाद भी इतना वो करने के बाद भी इतना पछड़ा निकल रहा है बीच बीच में से। ये देखो ये भी पछड़ा ही है, ये भी पछड़ा ही है, देखो ये देखो खुद पता चल रहा है। और यहाँ पे तीरी तीरी लगा दे रही हूँ मैं इसको। और ये धान वो होता है क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है, इसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है और चावल भात खाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि घी मिलाया है वैसे वैसा भात होता है इसका। हाँ तो अब जब बाद में होंगे ये बने रहना मेरे साथ, फिर दिखाऊंगी मैं आपको कितना बारीक होता है करके, पतला होता है मतलब बहुत अच्छा है। तो इसका नाम ही है यहाँ 555 बोलते हैं यहाँ, ये धान जहाँ पानी होता है वहीं होता है, दूसरी जगह नहीं होता है। ये मेरे खेत में आई है अनीता अभी, ये खाली मेरे को ब्यालने के लिए आई है, ब्यालने की ना रही हो मैं इन बनाई। ये देखो ये आई है मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए, कुछ काम था इसका। अब इसका काम पूरा हो जाएगा तो फिर बताऊंगी मैं क्या काम था करके, बता दूँ अभी मत बता रही। और अब जाओ अपने खेत में, मैं भी गोड़ती हूँ, आप भी गोड़ो। ओह देखो ये हमारे यहाँ की है, ये बहुत कामदार महिला है हमारे यहाँ की, इसके सास ससुर भी यहाँ, सासू माँ हैं जो वहाँ रहते थे अपने मायके में, और अकेली है ये यहाँ। और इसके पति भी होटल में काम करते हैं, वो भी घर में नहीं है। देखो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इसकी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़मीन है, मतलब बहुत ज़्यादा खेत है। और एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की छोटी है, फिर भी इसने इतनी अच्छी तरह से खेत में मेहनत करती है, इतनी अच्छी तरह से मेहनत करती है, सब काम कर लेती है, गाय बच्चियाँ भी हैं और खेत में भी बनाती है, बच्चों को भी देखती है। ये ऐसी होती हैं हमारी पहाड़ की औरतें, बहुत मेहनती होती हैं।